गाइस वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। 30 तारीख का मतलब आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। घर में आने के बाद सीधे वहाँ से, जब मैं एक दो दिन पहले अभी आया हूँ, 1.5 दिन हुए तब से ब्लॉग नहीं शूट किया, आज शूट कर रहा हूँ। और ना मैं तो गया कोचिंग, देख लीजिए 10:05 हो रहा है, मैं सुबह कोचिंग पढ़ाया था। और आज हमारे घर में उपास है, मैं हूँ, नमन है, मम्मी है, 3 लोग उपास हैं हमारे घर में आज। और वही उपास में तो खाना निकालना पड़ता है, तो वो सब रखा है सामान, मिठाई विठाई जो है रखी है, तो वही खाते हैं। और अभी तो बस थोड़ी देर में 1:30 बुफर बजाएंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का सारा सामान आ चुका है और थोड़ा मुझे लाना है, जो लाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। फिर दिखाते हैं क्या क्या हुआ है और देखिए आज व्लॉग कैसा होता है, मतलब पूरा दिन कैसा जाता है आज व्लॉग का, कृष्ण जन्माष्टमी का। और ना मैंने एक बैट लाया, दिखाता हूँ आपको बैट, जो कि चरखारी से लाया था नानी लोग के घर से। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, रख के दिखाता हूँ। और एक बैडमिंटन लाया था, ये रखा, साढ़े 10:05। अभी बज रहे हैं 4 और मैं पढ़ वढ़ लिख के फुर्सत हो चुका हूँ, अभी वर्क वर्क सब कर लिया। और नमन यहाँ पे है, ये भी आज व्रत है। कैसा लगा आज करना दिन नमन? बहुत अच्छा जा रहा है, आज खाने से फुर्सत मिल गई, खाने से फुर्सत मिल गई। कह रहा है रात के 12 बजे समोसा खाऊंगा मैं। देखिए सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, ले आया। और ये रखा नमन का जो हलवा हलवा जो खा रहा है, और मैंने तो अभी खा लिया है और देखते हैं क्या खाने मिलेगा। केले जिसको जिसको खाना हो केले खा सकता है। यहाँ पे रखी थी मिठाई, मिठाई जिसको खाना हो। और वहाँ पर रखे हैं सेव, जिसको सेव खाना हो। मौसम आज हम लोग के यहाँ पानी बरसा हुआ है, इसलिए मौसम आप देख सकते हैं सब जगह गीला है। और फिर ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर में चाय वाय पी लूँ, चाय बन चुकी है क्योंकि मौसम तो डिस्टर्ब ही है। चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर का माहौल देखते हैं। पानी तो धीमे धीमे बरस ही रहा है क्योंकि चलिए अब 5 बजे से मेरी कोचिंग है, इसलिए दिखाते हैं आपको कि छत में देखे बूंदे बांदी हो रही है, अभी भी पेड़ पौधे इसी तरह है। और बाहर देख लीजिए, बाहर भी सब खाली है, सब लोग अपने अपने घर में, आज सब लोग व्रत हो गए ना, इसलिए यहाँ पे पानी भर जाता है। ये देखिए, हाँ क्या हो आया, नीचे भी सजाना है इसलिए अब जा रहे नीचे हम लोग थोड़ी देर में। ये देखिए गाइस, ना तेरे बिना है हम अधूरे गाते हैं। हाँ गाइस देखिए, दादी आई है भजन सुनने और नमन ने यहाँ पे टीवी चालू कर ली, जो कि हम बूफर में बजा रहे थे भजन। बूफर ऊपर रखा, बूफर हाँ बूफर ये रखा हुआ है और नमन ये है। अरे बैक कहीं नहीं हो रहा, ये नमन बैठा हुआ है। आज जन्माष्टमी है, नीचे टीवी रखी है ना, उसमें जाओ, कौन सा नंबर, 8वें नंबर में दंगल चैनल आ रहा है, लगा दो, नहीं तो उसमें देख, क्या बोलते हैं, साधना, साधना देख लो, हरे भजन सुनाते हैं, जब भरे सुनो जाओ, नहीं आते हैं, नहीं आता, मुझे नहीं आता, जाओ। अरे पता नहीं कहाँ है चैनल वाले, चैनल लिया था। अबे अगर बागी 2 देख दी है, नमन कह रहा मुझे बागी 2 देखनी है दादी, ले नमन का तारक मेहता शुरू हो गया दादी, नमन लेट गया, अब आराम से तारक मेहता देखेगा। अभी तो 7 बजे हैं और नमन धीमे कर। हाँ गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, दादी का बूफर ऊपर बजा दे, नहीं तो हमारे में कॉपीराइट आ जा सकता है ना, इसलिए ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं, जब थोड़ा आरती और जो होगी, थोड़ा तैयारी वैयारी होगी। अभी आपको सजा के दिखाना भी किस तरह का हमारा मंदिर सजा हुआ है, ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। देखिए हम लोग का इस तरह हम लोग ने सजाया हुआ है ये मंदिर, ये श्री कृष्ण भगवान का झूला वूला रखा हुआ है, ये देखिए और गुब्बारे से इसका पूरा डेकोरेट किया है, ये देखिए यहाँ से पूरा नीचे से पूरा।
यहाँ पे होगी इसकी कृष्ण भगवान की पूजा। ये देखो बड़े ऊपर अभी अभी लगा है, जस्ट अभी अभी। कितना समय हुआ नमन? रात के बजे थे 12। अभी बजे नहीं, मतलब कि मेरा मन कर रहा मोमोज खाने का, जा रहा हूँ खाने ऊपर। अभी तो 11:35 हुआ है, सब तैयारी यहाँ पे हो रही है।